जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट का सेकंड पेपर का इंग्लिश जो कि हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसका फर्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। बट बिफोर दैट आपका हमारे चैनल यूट्यूब चैनल दैट इज एग्जाम ज्योति में बहुत बहुत स्वागत है। सो इस क्लास में हम MCQs डिस्कस करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज टॉप मोस्ट MCQs, ठीक है, जो कि UGC नेट में आते रहते हैं। तो वहाँ से मैंने स्पेशली कलेक्ट किया है सो दैट मैं आपके सामने ला सकूँ और आप अच्छे से पढ़ सकें एंड ईजिली एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और फर्स्ट क्वेश्चन इज ए क्लासिकल इन्फ्लुएंस ऑन बेन जॉनसन्स वॉल पोन। बेन जॉनसन जी का जो लिखा हुआ बुक है वॉल पोन, इट इज़ जुवेनाइल, एरिस्टोफेन्स, प्लेटियस, प्लॉटस, टेरेंस एंड द राइट आंसर इज एरिस्टोफेन्स। आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में, ठीक है। इंग्लिश ड्रामेटिस्ट एंड पोइट बेन जॉनसन कौन थे? एक ड्रामेटिस्ट थे एज वेल एज ए पोइट। ओके, हुज क्लासिकल लर्निंग गिफ्ट फॉर सटायर एंड ब्रिलियंट स्टाइल इज एग्जिबिटेड इन हिज ब्रिलियंट कॉमेडी वॉल पोन, जो उन्होंने लिखा था इन 1606 में, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लासिकल राइटर एरिस्टोफेन्स। सो वॉल पोन जो है ये किससे इन्फ्लुएंस होकर लिखा था उन्होंने? एरिस्टोफेन्स से। ओके, हिंदी में बोल रही हूँ। अंग्रेजी नाटककार और कवि बेन जॉनसन, जिनकी शास्त्रीय शिक्षा व्यंग के लिए व्यवहार उपहार और शानदार शैली उनकी शानदार कॉमेडी में प्रदर्शित की गई है, वॉल पोन शास्त्रीय लेखक अरस्तु के प्रभाव से प्रभावित है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किपलिंग्स द वाइट मैंस बर्डन इज एड्रेस टू, जो किपलिंग का जो बुक है वाइट मैंस बर्डन, ये किसको एड्रेस किया गया है? ओके, और फर्स्ट ऑप्शन इज द अमेरिकन इंपीरियल मिशन टू इन द फिलीपींस, नेक्स्ट ऑप्शन इज बेल्जियन कॉलोनियल एक्सपांशन इन द कॉन्गो, नेक्स्ट द ब्रिटिश इंपीरियल प्रेजेंस इन नाइजीरिया एंड नंबर फोर्थ इज द ब्रिटिश कॉलोनियल एंट्री इन टू अफगानिस्तान। वाइट मैंस है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एंड द राइट आंसर इज अमेरिकन इंपीरियल मिशन इन द फिलीपींस। आइए थोड़ी डिटेल्स में जानते हैं। अमेरिका एनेक्स द फिलीपींस एट द कंक्लूजन ऑफ द स्पेनिश अमेरिकन वॉर ऑफ 1898 विच हैड बीन ए स्पेनिश कॉलोनी सिंस द 16th सेंचुरी। किपलिंग्स द वाइट मैंस बर्डन इज एड्रेस्ड टू द सब्जेक्ट ऑफ अमेरिकन कॉलोनाइजेशन ऑफ द फिलीपींस। सो किपलिंग ने जो ये लिखा है स्पेशली एड्रेस किया है अमेरिकन कॉलोनाइजेशन ऑफ फिलीपींस, क्योंकि फिलीपींस को अमेरिका ने क्या किया था? हड़प लिया था। अमेरिका ने 1898 के स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के समापन पर जो युद्ध हुआ था उसके एंड में फिलीपींस में कब्जा कर लिया। सो फिलीपींस इनके अंडर में आ गए थे, ठीक है। सो जो 16वीं शताब्दी के बाद से एक स्पेनिश उपनिवेश था, किपलिंग के द वाइट मैंस बर्डन को फिलीपींस के अमेरिकी उपनिवेश के विषय में संबोधित किया गया है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोएट्री ए मैगजीन ऑफ वर्ड्स was founded by Harriet Monroe in, ये कब found किया गया था? That is options are 1922, 1920, 1918 and 1912. And the right answer is 1912. US poet and editor Harriet Monroe founded Poetry, a magazine of verse in 1912. So उन्होंने 1912 में इसे निकाला था, ठीक है। अमेरिकी कवि और संपादक हैरियट मोनरो ने कविता की स्थापना की डिस्पेट्रिका ऑफ वर्सेस 1912 में, उन्होंने 12 में इसको इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज गॉफ्री चौसर्स कंटेम्प्रेरी। सो चौसर जी जो थे उनके साथ के कौन से मतलब लेखक जिसमें हैं, कौन से उनके समय के बिलोंग करते हैं? एंड ऑप्शन आर थॉमस चैटरटन, जॉन गोअर, थॉमस रेडविल, जॉन गे। एंड द राइट आंसर इज जॉन गोअर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय वाल्टर स्कॉट। वाल्टर स्कॉट ने इसमें से कौन सा नहीं लिखा है? आपको नॉट ध्यान देना है, ठीक है। सो ऑप्शन आर इवान हो, लेडी ऑफ द लेक, हार्ट ऑफ मिडोटियन, इंग्लिश मेल कोच। एंड द राइट आंसर इज द इंग्लिश मेल कोच। ये ऊपर के जो तीन हैं इवान हो, लेडी ऑफ द लेक एंड हार्ट ऑफ मिडोटियन, ये सब रिटन बाय वाल्टर स्कॉट, बट दिस वन इज नॉट रिटन बाय वाल्टर स्कॉट। द इंग्लिश मेल कोच इज रिटन बाय थॉमस डे क्विंसी। इनको किसने लिखा है?
क्विंसी जी ने लिखा है, द लेडी ऑफ द लेक, जो कि ईयर है 1810 में लिखा गया था, ब्राइडल ट्रायरमैन 1813 में, द हार्ट ऑफ मिलोटियन 1818 में, और इवान हो जो कि 1819 में लिखा गया था, एंड इट वॉज रिटन बाय ऑल वाल्टर स्कॉट। ओके, सो इंग्लिश मेल कोच थॉमस डी क्विंसी द्वारा लिखा गया है, द लेडी ऑफ द लेक, द ब्राइडल ऑफ ट्रायरमैन, द हार्ट ऑफ मिडोटन, इवान हो वाल्टर स्कॉट द्वारा लिखी गई है। सो ये सब जो रचनाएं हैं स्कॉट ने लिखी है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोविंशलाइजिंग यूरोप इज अ कंसेप्ट प्रोपाउंडेड बाय, सो प्रोविंशलाइजिंग यूरोप जो है इसका कंसेप्ट किसने दिया था, एडवर्ड सेड, पॉल गिलरॉय, अब्दुल आर गुलना, दीपेश चक्रवर्ती, एंड द राइट आंसर इज दीपेश चक्रवर्ती। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं थोड़ा। दीपेश चक्रवर्ती प्रोविंशलाइजिंग यूरोप 2000 में लिखा गया था, एड्रेसेस द मिथिकल फिगर ऑफ यूरोप दैट इज ऑफन टेकन टू बी द ओरिजिनल साइट ऑफ मॉडर्निटी इन मैनी हिस्ट्रीज ऑफ कैपिटलिस्ट ट्रांजिशन इन नॉन वेस्टर्न कंट्रीज, दिस इमेजिनरी यूरोप इज बिल्ट इन टू द सोशल साइंसेज, द वेरी आइडिया ऑफ हिस्ट्रीसाइजिंग कैरीज विथ इट सम पिक्यूलियरली यूरोपियन असम्पशंस अबाउट डिसइंसेंटेड space, secular time, and sovereignty. Measured against such mythical standards, capitalist transition in the third world has often seemed either incomplete or lacking. Provincializing Europe proposes that every case of transition to capitalism is a case of translation as well as a translation of existing worlds and their thought categorizes into the categories and सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपिटलिस्ट मॉडर्निटी। हिंदी में देखते हैं, दीपेश चक्रवर्ती की प्रांतीय यूरोप में यूरोप के पौराणिक आंकड़े को संबोधित किया गया है जिसे अक्सर गैर पश्चिमी देशों में पूंजीवादी संक्रमण के कई इतिहासों में आधुनिकता का मूल स्थल माना जाता है। यह काल्पनिक यूरोप सामाजिक विज्ञानों में बनाया गया है। इसे ऐतिहासिक बनाने का बहुत ही विचार इसके साथ कुछ अजीबोगरीब यूरोपीय धारणाओं को लेकर है जो अंतरिक्ष, धर्मनिरपेक्ष, समय और संप्रभुता के बारे में हैं। इस तरह के पौराणिक मानकों के खिलाफ तीसरी दुनिया में पूंजीवादी संक्रमण अक्सर अधूरा या अभाव लगता है। प्रांतीय यूरोप ने यह प्रस्तावित किया है कि पूंजीवाद में संक्रमण का हर मामला अनुवाद का मामला है और मौजूदा दुनिया के अनुवादों और पूंजीवादी आधुनिकता की आत्मसमझ की मौजूदा दुनिया में उनके विचारों का अनुवाद है। ओके, सो प्रोविंशियल यूरोप जो है हमारा, जो प्रांतीय यूरोप है, ये हमारा दीपेश चक्रवर्ती जी ने लिखा था। ठीक है, द अर्लीस्ट ट्रैक ऑन फेमिनिज्म, जो फेमिनिज्म के ऊपर जो बात है वो सबसे पहले किसने मतलब बात को उठाया, ठीक है, इज साइमन डे बीवर्स द सेकेंड सेक्स, वर्जीनिया वुल्फ्स एडम ऑफ वंस ओन, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट्स एविंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, एंड लास्ट ऑप्शन इज मैरी एस्टल्स अ सीरियस प्रपोजल टू द लेडीज, एंड द राइट आंसर इज मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट्स एविंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। फेमिनिज्म है तो ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है राइट्स ऑफ वुमेन वाले टाइप होंगे। ओके ना, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नाउ लेट्स डिस्कस द डिटेल्स। रिटन बाय 18th सेंचुरी ब्रिटिश फेमिनिस्ट मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, एविंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विच स्ट्रिक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट्स इज वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स ऑफ फेमिनिस्ट फिलोसफी। इन इट वॉलस्टोनक्राफ्ट रिस्पॉन्स टू दोज एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल थ्योरीज ऑफ 18th सेंचुरी हु डिड नॉट बिलीव वुमेन शुड हैव एन एजुकेशन। शी आर्ग्यूज दैट वुमेन ऑट टू हैव एन एजुकेशन कमेंसुरेट विद their position in society, claiming that women are essential to the nation because they educate its children and because they could be companions to their husbands rather than mere wives. Instead of viewing women as ornaments to society or property to be traded in marriage, Wollstonecraft maintains that they are human beings deserving of the same fundamental rights as men. So, Wollstonecraft jo thi, unhone मतलब लेडीज को लेकर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया था। वो विश्वास करती थी कि वुमेंस को भी पढ़ने की ज़रूरत है, उन्हें भी एजुकेशन लेने का पूरा हक है, बिकॉज उन्हें अपने बच्चों को भी ध्यान देना होता है। ठीक है,
और बच्चे अक्सर मैक्सिमम माँ के साथ रहते हैं, तो उन्हें पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, 18वीं शताब्दी की ब्रिटिश नारावादी द्वारा लिखित मैरिज वॉलस्टोनक्राफ्ट ए विंडेज ऑफ वुमेन ऑफ राइट्स विद स्ट्रिक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट्स नारीवादी दर्शन के शुरुआती कार्यों में से एक है। इसमें वॉलस्टोनक्राफ्ट 18वीं शताब्दी के उन शैक्षिक और राजनीतिक सिद्धांतकारों को जवाब देते हैं जिन्होंने यह नहीं माना कि महिलाओं के पास शिक्षा होनी चाहिए। वह कहती है कि महिलाओं को समाज में अपनी स्थिति के अनुरूप एक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उनका दावा है कि महिलाओं को राष्ट्र के लिए आवश्यक है क्योंकि वे अपने बच्चों को शिक्षित करती है और क्योंकि वे केवल पत्नियों के बजाय अपने पति के लिए साथी हो सकते हैं। महिलाओं को विवाह के रूप में समाज संपत्ति के लिए गहने के रूप में देखने के बजाय वॉलस्टोनक्राफ्ट का कहना है कि वे मनुष्य हैं जो पुरुषों के समान मौलिक अधिकारों के हकदार हैं। ओके, क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द इमेजिनरी लोकेशन विथ इट्स क्रिएटर। सो अभी हमें मैच करना है। एमिली ब्रॉन्ट, थॉमस हार्डी, लॉकवुड पर्सनेज, चार्ल्स डिकेंस। और आपको जिसे मैच करना है दोज आर बेसिक्स, एडगन हेल्थ, कॉकटाउन, चार्लोट ब्रॉन्ट। आप बताइए कौन सा इसमें हो सकता है, किसने किसको लिखा हुआ है। So you are to match it, and the right option is Emily Brontë ने लिखा है Edgar Held, Thomas Hardy Wessex, Lovewood Personage Charlotte Brontë and Charles Dickens, that is Cocktown. So आपको याद रखना होगा किसने क्या लिखा हुआ है। एमिली ब्रॉन्ट एडगॉन ने लिखा है, ठीक है, मतलब एडगॉन को लिखा हुआ है। अगेन थॉमस हार्डी जो है, हार्डी ने वेसेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट पर्सनेज जो है उन्होंने लिखा है चार्लोट ब्रॉन्ट। पर्सनेज ने क्या लिखा है, चार्लोट ब्रॉन्ट। एंड चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है कॉकटाउन, ठीक है। इसे से आपको याद रखना होगा क्योंकि इस टाइप के जो मैचिंग करने वाले क्वेश्चन है अक्सर आते ही हैं, ठीक है। सो आपको ध्यान देना होगा। विच असूरियन टेक्स्ट पैराडाइज दैट इज द डिवाइन कॉमेडी। सो इसमें से कौन सा टेक्स्ट मतलब बताता है डिवाइन कॉमेडी को लेकर। द कैंटरबरी टेल्स, द बुक ऑफ द डचेस, द हाउस ऑफ फेम एंड लास्ट ऑप्शन इज लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। द राइट आंसर इज द हाउस ऑफ फेम। The poem The House of Fame is over 2000 lines long in three books. ये तीन बुक में लिखा गया है, है ना? इसमें 2000 lines है total. And takes the form of a dream vision composed in octosyllabic couplets. It's regarded as the first of Chaucer's Italian influence period and there are the echoes of the works of Ovid, Virgil's Aeneid and particularly Dante's Divine Comedy. The three-part structure and the reference to various personalities suggest to some that the poem was meant as a parody of the Divine Comedy. Okay, so अब हम हिंदी में थोड़ा डिस्कस करते हैं। कविता जो कि द हाउस ऑफ फेम तीन पुस्तकों में 2000 में से अधिक लंबी लाइनें हैं, ठीक है, और ऑक्टोसिलेबिक मीन्स आपके 8 सिलेबल्स रहेंगे, ठीक है। और इस तरह से कपलेट में जब लिखा जाता है, रचा जाता है, तो उसे ऑक्टोसिलेबिक दोहे कहते हैं, ठीक है। एक स्वप्न दृष्टि का रूप लेती है। यह चौसर की इतालवी प्रभावित काल के पहले के रूप में माना जाता है और ओविड वर्जिल के कार्यों की गूंज है, ठीक है। एनीडोट विशेष रूप से दांते की दिव्य कॉमेडी तीन भाग की संरचना और विभिन्न व्यक्तियों के संदर्भ कुछ को बताते हैं कि कविता का अर्थ दैवीय कॉमेडी की परोडी थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसेज ऑफ इलिया वाज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश किया गया था, 1800, 1823, 1827 एंड लास्ट ऑप्शन इज 1850। द राइट आंसर इज 1823। तो इलिया का पब्लिश हुआ था 1823 में, ठीक है।
Our next question is, which of the following is an example of homosexual fiction? So, इसमें से कौन सा फिक्शन है जो कि होमोसेक्सुअल है? And the options are The Veil of Loneliness, Morals, Orlando, and The Ballad of the Reading Goal. And the right option is Morals. Morals is a novel by E.M. Forster. It's a tale of homosexual love in early 20th century England. It follows Morals Hall from his school days through university and beyond. It was written from 1930 onwards. Although it was shown to selected friends such as Christopher Isherwood, it was only published in 1971 posthumously. That means उनके मरने के बाद published किया गया था. Okay. Morris E. Fame M. Foster का उपन्यास है. ठीक है, लिखा किसने है? Foster ने. Okay. ये 20वीं शताब्दी के शुरुआती इंग्लैंड में समलैंगिक प्रेम की कहानी है. यह विश्वविद्यालय और उसके माध्यम से अपनी विद्वानों से मॉरिस हॉल का अनुसरण करता है. यह 1913 से लिखा गया था. हालांकि इसे क्रिस्टोफर इशरवुड जैसे चुनिंदा दोस्तों को दिखाया गया था, लेकिन इसे केवल 1971 में मरणोपरांत प्रकाशित किया गया था. ठीक है, our next question is W.E.B. Yeats Easter 1916 that is 1916 is ye kya hai? It is a response to a major political uprising, a reminiscence of his visit to a nursery school, a love poem for Maud Gonne, an ode to his native country. So Easter 1916 jo kya hai? And the right answer is it is a response to a major political uprising. पॉलिटिकल इशू इसमें डिस्कस किया गया है. ठीक है, विलियम एम्सपेन सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिगुइटी इज जो इनका लिखन है, जो सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिगुइटी इज ये है क्या? इट्स स्ट्रक्चरलिस्ट स्टडी ऑफ नैरेटिव, ए पीस ऑफ साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म, ए स्टडी ऑफ द मीडिया, एंड एनालिसिस ऑफ पोएटिक एम्बिवेलेंस. एंड द राइट आंसर इज An analysis of poetic ambivalence. ठीक है, यहाँ पे ओके ये जो क्या है, एक analysis of poetic ambivalence है जिसका हम description देखते हैं. William Emerson in 1930 at 24 years of age published Seven Types of Ambiguity, an influential text which analyzes in detail the meanings and effects of English poetry. William Emerson 1930 में 24 साल की उम्र में सेवन टाइप ऑफ एम्बिग्विटी एक प्रभावशाली पाठ प्रकाशित किया जो अंग्रेजी कविता के अर्थ और प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण करता है. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द आइडियोलॉजी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. सो यूटिलिटेरियनिज्म से आइडिया कौन इसमें से एसोसिएटेड है वो हमें जानना है, देखना है. ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज जे ए फ्रॉड, सेकंड इज चार्ल्स किंग्सली, थर्ड इज जे एस मिल, एंड लास्ट ऑप्शन इज कार्डिनल न्यूमैन. एंड द राइट आंसर इज जे एस मिल. जे एस मिल जी इनसे एसोसिएटेड है. Utilitarianism is the term more specially applied to the proposition that the supreme objective of moral action is the achievement of the greatest happiness for the greatest number. J.S. Mill made utilitarianism the subject of one of his philosophical treatises. Okay, जो कि 1863 में हुआ. उपयोगितावाद, जो कि इसका proper हिंदी शब्द है. Okay, इस शब्द विशेष रूप से इस प्रभाव पर लागू होता है कि नैतिक कार्रवाई का सर्वोच्च उद्देश्य सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ी खुशी की उपलब्धि है. जे एस मिल ने उपयोगितावाद को अपने एक दार्शनिक ग्रंथ का विषय बनाया. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशन ऑफ इंग्लैंड लिटरेचर रिफर्स टू. द कंडीशन ऑफ इंग्लैंड जो है ये किसको रिफर करता है? और फर्स्ट ऑप्शन इज द लिटरेचर रिटेन बाय द लेबर क्लास, द लिटरेचर ऑफ इंग्लैंड एक्सटॉलिंग living conditions, the literature of England depicting the vulnerability of labor classes, the literature of England depicting the imperial projects abroad. And the right answer is
The literature of England depicting the vulnerability of labor classes. ये जो है कंडीशन ऑफ इंग्लैंड लिटरेचर रेफर करता है इंडस्ट्रियल नॉवेल्स, सोशल नॉवेल्स और सोशल प्रॉब्लम नॉवेल्स. ओके, पब्लिश्ड इन विक्टोरियल इंग्लैंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द पीरियड ऑफ द हंगरी 40s. दिस टाइप ऑफ लिटरेचर डील्स विद द कंटेम्प्रेरी सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज रिलेटेड टू डिटेरियोरेटिंग सोशल सिनेरियो आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड. इंग्लैंड की स्थिति साहित्य औद्योगिक उपन्यासों, सामाजिक उपन्यासों या सामाजिक समस्या उपन्यासों को संदर्भित करता है जो भूख किले की अवधि के दौरान और उसके बाद विक्टोरियन इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ था. इस प्रकार का साहित्य इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद बिगड़ते सामाजिक परिदृश्य से संबंधित समकालीन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से संबंधित है. ठीक है, our next question is Philip Sidney wrote an apology for poetry in immediate response to. तो इन्होंने जो लिखा था an apology for poetry, ये response किसके लिए था? Plato's Republic, Aristotle's Poetics, Stephen Gosson's The School of Abuse, Jeremy Collier's Immortality and Profaneness of the English Stage. And the right answer is Stephen Gosson's The School of Abuse. Stephen Gosson authored The School of Abuse 1579 में लिखा था, directed against poets, pipers, players, jesters and such like caterpillars of a commonwealth. Dedicated to Sir Philip Sidney, it is believed to have evoked his apology for poetry, as it was not well received by him. So Stephen Gosson ने The School of Abuse जो 1579 में लिखा था, एक राष्ट्रमंडल के कवियों, पीपर्स, खिलाड़ियों, जेस्टर और इस तरह के कैटरपिलर के खिलाफ निर्देशित. ऐसा माना जाता है कि सर फिलिप सिडनी के लिए यह माना जाता है कि उन्होंने अपने एपोलॉजी को पोइट्री के लिए खाली कर दिया था क्योंकि यह उनके द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त नहीं किया गया था. ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन इज ए डैश प्लेस ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. सो साइलेंस द कोर्ट, ये द कोर्ट इज इन सेशन, ये जो है एक किस टाइप का प्ले है जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था? गुजराती है, बंगाली है, मराठी है, कन्नड़ है, कौन से लैंग्वेज का ये प्ले है वो आपको बताना है. ओके, एंड द राइट आंसर इज मराठी. ये एक मराठी प्ले था, ठीक है, ड्रामा था. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज. सो अब आपको साइज के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, एपिक, एपिग्राम, स्टैंजा, सोनेट. सो आपको साइज के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है. सो एपिक तो हमें पता है बहुत बड़ा एक बुक होता है ना, इसमें बहुत सारे वर्ड्स रहेंगे. तो साइज के अकॉर्डिंग अगर हमें अरेंज करना है तो हम जानते हैं एपिक सबसे बड़ा रहेगा साइज में, है ना, एक बुक है जो कि जो जिसमें लास्ट में ऑप्शन एपिक रहेगा वही हमारा आंसर रहेगा. जैसे हमारे ऑप्शन में लास्ट में वन कौन सा है? सी नंबर, है ना. तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सी विल बी द आंसर. नो, पहले हम देख लेते हैं एपिग्राम. एपिग्राम क्या है? एक स्टेटमेंट है जो कि कॉमेडी टाइप, कोई भी आप मेमोरेबल टाइप एक स्टेटमेंट दे दीजिए, है ना. स्टैंजा हो गया, अगेन सोनेट जो कि 40 लाइंस का होता है. एपिक हो गया जिसका कोई एंडिंग ही नहीं है, एक बुक टोटली. सो ऑब्वियसली टू होगा, पहले एपिग्राम होगा, उसके बाद में स्टैंजा होगा, आफ्टर दैट सोनेट होगा, एंड आफ्टर दैट एपिक होगा. ठीक है, सो आवर राइट आंसर इज सी. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स Why all men strive and who succeeds? These lines are from. ये लाइन कौन से बुक से लिया गया है? ठीक है, our first option is Rabbi Ben Ezra, our second option is Fra Lippo Lippi,
कैलिबर अपन सेटिबस एंड द लास्ट राइड टुगेदर. द राइट आंसर इज द लास्ट राइड टुगेदर. डॉक्टर जॉनसन्स द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज एक्सप्रेसेस. जॉनसन ने जो लिखा है ये द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज ये क्या एक्सप्रेस करती है. एपिक्यूरिनिज्म, ह्यूमनिज्म, स्टोइसिज्म, साइनिसिज्म. द राइट आंसर इज साइनिसिज्म. साइनिसिज्म जो कि मतलब डाउट टाइप रहता है, ठीक है, उसी को साइनिसिज्म बोलेंगे. ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्राइबल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल वॉज द सब टाइटल फॉर. जो बुक है ट्राइबल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल, इट वॉज अ सब टाइटल. किस लिए सब टाइटल है? फॉर एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ब्लाइड द स्पिरिट, द वे ऑफ द वर्ल्ड, द इम्पॉर्टेंस ऑफ बींग अर्नेस्ट. एंड द राइट आंसर इज इम्पॉर्टेंस ऑफ बींग अर्नेस्ट. ठीक है, तो ये जो है सब टाइटल किसका है? इम्पॉर्टेंस ऑफ बींग अर्नेस्ट के लिए. विच फेमस एलिजी क्लोजेस विद द फॉलोइंग लाइन्स. तो इसमें से जो कौन सा एलिजी है जो कि मतलब इससे क्लोज है, ठीक है, जो बता रहा है इन द डिजर्ट्स ऑफ द हर्ट लेट द हीलिंग फाउंटेन सॉर्ट इन द प्रिजन ऑफ हिज डेज टीच द फ्री मैन हाउ टू प्रेज. तो इसमें से कौन सा एलिजी है जिससे ये रिलेटेड है? ओके, एलिजी मीन्स जो बहुत दुख वाला पोएम्स रहता है ना. सो अवर फर्स्ट ऑप्शन इज इन मेमोरियम, थर्सिस इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईड्स, एंड लास्ट ऑप्शन इज वर्सेज ऑन द डेथ ऑफ टी एस एलियट. एंड अवर करेक्ट आंसर इज इन मेमोरियम. सो इन मेमोरियम जो है जो कि एलिजी है और इसमें ये लाइन्स मैंशन है. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्पल इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय. जो टेम्पल जो है ये क्या है? पोएम है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है. ठीक है, किसने लिखा है? थॉमस कैरियो, रॉबर्ट हैरिक, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रशो. एंड द राइट आंसर इज जॉर्ज हर्बर्ट. सो जो इन्हें लिखा है किसने है, कलेक्शन किसने किया हुआ है? जॉर्ज हर्बर्ट ने. ठीक है, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेन जॉनसन्स कॉमेडीज आर ए वॉलपोन, बार्थोलोम्यू फेयर, द शूमेकर्स हॉलीडे. सो आपको अरेंज करना है. ठीक है, वॉलपोन, बार्थोलोम्यू फेयर, द शूमेकर्स हॉलीडे, नेक्स्ट इज वॉलपोन, द एल्केमिस्ट एपिकोन, वॉलपोन एल्केमिस्ट नाइट ऑफ द बर्निंग पेसल, वॉलपोन एपिकोन, द शूमेकर्स हॉलीडे. इसमें आपको कॉमेडियन कॉमेडीज वाले आपको बताने हैं इसमें से कौन सा बेन जॉनसन ने लिखा हुआ है. ओके, द राइट आंसर इज वॉलपोन एल्केमिस्ट एपिकोन. द शूमेकर्स हॉलीडे इज एन एलिजाबेथन प्ले रिटन बाय थॉमस डेकर. द नाइट ऑफ द बर्निंग पेसल इज ए प्ले बाय फ्रांसिस बीमाउंट. सो थॉमेकर हॉलीडे एक एलिजाबेथन नाटक है जो थॉमस डेकर द्वारा लिखा गया है. नाइट ऑफ द बर्निंग मुसल फ्रांसिस बीमाउंट का एक नाटक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एल एलिग्रोस कंपेनियन पीस कॉल्ड. उनका जो एल वाला एलिग्रो कंपेनियन है उस पीस को क्या कहते हैं? लामिया, हाइपेरियन, टू पेंसरियोसो, थिर्सिस. एंड द राइट आंसर इज आई आई पेंसरसो. ये जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट जॉन मिल्टन्स एल एलिग्रो विदाउट रीडिंग इट्स कंपेनियन पीस. इट इज टू पेंसरसो. जॉन मिल्टन के एल एलेग्रो को उसके साथ ही टुकड़ा द्वितीय पेंसरसो को पढ़े बिना समझना और उसकी सराहना करना मुश्किल है. दैट मीन्स इनका जो एल एलेग्रो जो है इसको समझने के लिए आपको द्वितीय दैट इज टू पेंसरसो भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा. ठीक है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा. वही बोल रहा है कि एल एलेग्रो कंपेनियन पीस जो है इसको इसका दूसरा नाम और क्या है, मतलब व्हाट इज दिस. सो टू पेंसरसो दैट मीन्स इसको पढ़ने के लिए आपको समझने के लिए इसका भी सहारा लेना पड़ेगा.
देन ओनली कंसेप्ट आपको क्लियर हो पाएगा, है ना, जो कि मिल्टन ने लिखा है. ओके, नाउ मैच द कैरेक्टर विद द नॉवल. अभी आपको नॉवल को मैच करना है कैरेक्टर के साथ, कौन से नॉवल में कौन सा कैरेक्टर मेंशन किया गया है उसे मैच करना है. सो कैडी द सन एंड द फरी, लेनी द ऑफ माइस एंड मैन, जैक बर्न्स द सन ऑल्सो राइजेस, टॉमी विलन द साइज द डे. अब आपको इसमें मैन ये करना है, मैच करना है कौन सा कैरेक्टर कौन से नॉवल में है. एंड द राइट आंसर इज ए. दैट मीन्स कैडी जो है ये आपका सीधा सीधा आंसर जा रहा है. ठीक है, कैडी को, कैडी जो है कौन से में आएगा, द साउंड एंड द फरी में आएगा. लैनी किस में आएगा, ऑफ माइस एंड मैन. अगेन जैक बर्न्स जो किस में आएगा, द सन ऑल्सो राइजेस. एंड टॉमी विलियम साइज द डे. ओके, ये सब कैरेक्टर्स है जो कि आपको याद रखने होंगे कौन से नावल में इनको मैंशन किया गया है. ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट्स डिस्क्राइब इट. कैडी द साउंड ऑफ द फर एंड साउंड एंड द फरी, लैनी ऑफ माइस एंड मैन, जैक बर्न्स द सन ऑल्सो राइजेस, टॉमी विलियम साइज द डे. सो इस तरह से इनको इनके साथ मैच किया गया है. ठीक है, ये जो कैरेक्टर्स हैं इन सब में पाए जाएंगे. ओके, क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स बिलोंग टू द अमेरिकन बीट मूवमेंट. कौन बिलोंग करते हैं इस पीरियड से. ओके, एलन गिन्सबर्ग, मार्क बर्ड, आइसैक मैकलिश, कैशली, चार्ल्स बर्ड. एंड द राइट आंसर इज एलन गिन्सबर्ग. एलन गिन्सबर्ग जो है हमारे अमेरिकन बीट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं. क्वेश्चन इज द लॉस्ट जनरेशन इज ए नेम अप्लाइड टू द डिसइल्यूजन्ड इंटेलेक्चुअल्स एंड एसेटिक्स ऑफ द ईयर्स फॉलोइंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. हु कॉल्ड देम द लॉस्ट जनरेशन. किसने कहा है इसको लॉस्ट जनरेशन. एंड द ऑप्शंस आर एच एल मैनकेन, विला कैथर, जैक लंडन, गर्ट्रूड स्टीन. And the right answer is Gertrude Stein. Stein ने इसे कहा है the lost generation. The term lost generation was popularized by Ernest Hemingway, who used it as one of the two contrasting epigraphs for his novel The Sun Also Rises. Hemingway credits the phrase to Gertrude Stein, who was then his mentor and patron. Lost generation शब्द को Ernest Hemingway द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था. ठीक है, हेमिंग्वे ने इसको ज़्यादा लोकप्रिय किया था, इस वर्ड को द लॉस्ट जनरेशन, जिन्होंने इसे अपने उपन्यास द सन भी राइज, मतलब सन भी राइज होता है, के लिए दो विपरीत एपिग्राफ में से एक के रूप में इस्तेमाल किया था. हेमिंग्वे ने उसका श्रेय गर्ट्रूड स्टीन को दिया, जो उस समय उनके संरक्षक एंड संरक्षक थे. ठीक है, मैं दोनों एक ही होंगे. ठीक है, सो ये द सन ऑफ होगा, क्योंकि ये तो हम चेंज नहीं कर सकते ना हिंदी में. सो द सन ऑल्सो राइजेस. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपरबोल इज. हाइपरबोल क्या है. एन एक्स्ट्रावेजेंट एग्जैगरेशन, ए रेसिस स्लर, ए मैट्रिकल स्किल, ए फिगर ऑफ स्पीच. एंड ऑप्शंस आर वन इज करेक्ट, नंबर बी ऑप्शन इज वन एंड फोर आर करेक्ट, नंबर थर्ड ऑप्शन इज वन एंड थ्री आर करेक्ट, एंड नंबर डी ऑप्शन इज थ्री इज करेक्ट. एंड द राइट आंसर इज बी, दैट इज एन एक्स्ट्रावेजेंट एग्जैगरेशन एंड ए फिगर ऑफ स्पीच. ये एक फिगर ऑफ स्पीच भी है, एज वेल एज हाइपरबोल को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रावेजेंट एग्जैगरेशन भी बोलते हैं, जो कि मतलब कुछ ज़्यादा ही दिखा देते हैं गलत तरीके से, जो भी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं दैट इज हाइपरबोल, जितना वो है उससे भी ज़्यादा हम दिखा एक्सप्रेस कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज रिगार्डेड और रिप्रेजेंटेड एज लार्जर, बेटर और वर्स देन इन रियलिटी. जितना रियलिटी है उससे भी ज़्यादा हम गलत तरीके से भी दिखा देते हैं. ठीक है, और इसे हम एक फिगर ऑफ स्पीच भी बोलेंगे एट द सेम टाइम. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेजिड कम्युनिटीज. इट इज़ ए कंसेप्ट प्रोपाउंडेड बाय. इमेजिन कम्युनिटीज जो कंसेप्ट है किसने दिया है, बेनेडिक्ट एंडरसन, होमी भाभा, एजस अमिड एंड पार्थ चटर्जी. द राइट आंसर इज बेनेडिक्ट एंडरसन. सो इमेजिन कम्युनिटीज कंसेप्ट किसने दिया है, इट्स
बेनेडिक्ट एंडरसन। सो आज हमारा टॉप 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। आशा करती हूँ आपको हमारा क्लास बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बहुत जल्दी कर लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी सबसे पहले पहुँचे। ओके, थैंक यू।